Hello everyone, myself Rohan, faculty of Impact Paramedical and Health Institute. What is Operation Theatre? Operation Theatre क्या है और Operation Theatre की जरूरत क्यों है? क्या हर किसी पेशेंट को ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है? ऑपरेशन थिएटर में कौन लोग काम कर रहे हैं? अब की और पहले की ऑपरेशन थिएटर में क्या फर्क है? ऑपरेशन थिएटर में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं? कौन कौन लोग ऑपरेशन थिएटर में इन्वॉल्व रहते हैं? क्या सर्जन ही सारी सर्जरी करता है? क्या ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को बेहोश कर दिया जाता है? क्या पेशेंट को सर्जरी के दौरान बिल्कुल भी ब्लड नहीं निकलता? क्या सर्जरी के दौरान पेशेंट को होश आ जाए तब ऑपरेशन कैसे किया जाएगा? ऐसे सारे सवालों का जवाब आज मैं इस आपको वीडियो में देने जा रहा हूं कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर किस किस तरीके से आप एक पेशेंट की सर्जरी को अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन थिएटर के बारे में ही कि ये कहां लोकेटेड होता है। हॉस्पिटल के सबसे सेपरेट विंग में या फिर टॉप फ्लोर पे आपको देखने को मिलेगा। इसको सभी डिपार्टमेंट से सबसे अलग इसलिए रखा जाता है ताकि ट्रैफिक को और मिनिमाइज करा जा सके और इंफेक्शन को कंट्रोल किया जा सके, ताकि हर कोई आम आदमी ऑपरेशन थिएटर तक ना पहुंच सके, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर वो एक ऐसा एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा स्टरलाइजेशन का ध्यान रखा जाता है, यानी कि एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो किया जाता है, यानी कि जीरो इन्फेक्शन। यहां पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि आम आदमी यहां तक ना पहुंच सके, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट और उस पेशेंट से जुड़ी हुई सर्जरी के अंदर जो इन्वॉल्व है, जैसे कि सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, टेक्नीशियन और नर्सेस ही इस ऑपरेशन थिएटर के अंदर हो। ऑपरेशन थिएटर को और भी अच्छी तरीके से जानने के लिए हमें ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाना पड़ेगा। ऑपरेशन थिएटर के एरिया को हम स्टाइल जोन के अंदर रखते हैं और इस जोन के अंदर आपको तभी एंट्री मिलती है जब आप ऑपरेशन थिएटर के अटायर में आ सके। ऑपरेशन थिएटर के लिए स्पेशल ड्रेस कोड होते हैं, जैसे कि कुर्ता, पजामा और गाउन, हेड कैप, मास्क, ग्लव्स, शू कवर, आई गॉगल। ये कुछ ड्रेसअप है जिसको पहनने के बाद ही आपको ऑपरेशन थिएटर में एंट्री मिलती है। ये करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि ताकि पेशेंट को सर्जिकल साइट का कोई इंफेक्शन ना हो और सर्जरी को मिनिमम इंफेक्शन के साथ कंट्रोल किया जा सके और मिनिमम इंफेक्शन के साथ आगे बढ़ाया जा सके। सर्जरी के दौरान होने वाले कई तरीके के इंफेक्शन होते हैं जो कि प्रॉपर तरीके से हाइजीन को फॉलो ना करने की वजह से हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन थिएटर रूम के अंदर। आगे बढ़ते हुए हमें, जैसे इसके नाम से पता लगता है, ऑपरेशन थिएटर जैसे कोई थिएटर हो, कोई बड़ा हॉल हो। पुराने जमाने के ऑपरेशन थिएटर कुछ इसी तरीके के हुआ करते थे, जहां पर ऑपरेशन रूम के अंदर टेबल बीचों बीच होती थी और आसपास सीढ़ियां बनी होती थी और इन सीढ़ियों के ऊपर बहुत सारे सीखने वाले डॉक्टर्स, इंटर्न, टेक्नीशियन, नर्सेज होते थे और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स बीचों बीच होते थे। इस तरीके से ऑपरेशन कैरी आउट हुआ करते थे पुराने टाइम पर। लेकिन अब मॉडर्न टाइम आ चुका है और मॉडर्न ओटी का जमाना है और मॉड्यूलर ओटीज के अंदर अलग अलग तरीके की मशीनरीज और एडवांस टेक्निक आ गई है। रोबोटिक तरीके से अब हम सर्जरीज को अंजाम तक पहुंचाते हैं। ऑपरेशन थिएटर के अंदर अब सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जो कि सर्जरी के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर एंटर करते ही सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर है ऑपरेशन टेबल। ऑपरेशन टेबल का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए, चाहे 40 किलो का पेशेंट हो या फिर 100 किलो का पेशेंट। दोनों ही पेशेंट इस ऑपरेशन थिएटर टेबल पर लिटाए जाते हैं और फिर उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान कई तरीके की चीजों का और भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ऑपरेशन टेबल के पीछे की तरफ हम देखेंगे तो आपको ज्यादातर एक एनेस्थीसिया मशीन देखने को मिलेगी। यह एनेस्थीसिया मशीन पेशेंट को डिलीवरी करती है ऑक्सीजन की और मिक्सिंग ऑफ एनेस्थेटिक गैसेस की, जो कि हेल्प करेगी सर्जरी के दौरान पेशेंट को बेहोश करने के लिए और साथ ही साथ वेंटिलेट करने के लिए ताकि उसकी सांसें चलती रहें। ऑपरेशन थिएटर टेबल के पीछे की तरफ बनी हुई एनेस्थीसिया मशीन के साथ ही बगल में आपको एनेस्थेटिस्ट यानी कि एनेस्थीसिया का वो डॉक्टर जो कि एक्सपर्ट है पेशेंट को बेहोशी की दवा देने में और सर्जरी के दौरान ये ध्यान रखने के लिए कि पेशेंट की सांसें चलती रहें और पेशेंट को किसी भी तरीके का पेन ना हो। सर्जरी दो तरीके से कैरी आउट करी जा सकती है, या तो पेशेंट को पूरी तरीके से बेहोश करके या फिर हाफ पैरालाइज करके। इसको मेडिकल टर्म्स के अंदर जनरल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया के तौर पे देखा गया है। जनरल एनेस्थीसिया के अंदर आपके पेशेंट को फुली पैरालाइज करके, पूरे तरीके से बेहोश करके सर्जरी करी जाती है और रीजनल एनेस्थीसिया में पेशेंट के पर्टिकुलर पार्ट को पैरालाइज करके ही ऑपरेशन किया जाता है। ये सभी ड्रग्स को देने के लिए एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर ही
काम में लिए जाते हैं। एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर ये ध्यान रखते हैं कि पेशेंट की सर्जरी की नेचर को हिसाब से देखते हुए डिसाइड करें कि पेशेंट को पूरी तरीके से बेहोश किया जाए या फिर पार्शियली बेहोश किया जाए। सर्जरी के दौरान सर्जरी को आगे बढ़ाने के लिए सर्जन की जरूरत होगी, जो कि सर्जन पेशेंट के सर्जिकल साइट के नजदीक ही देखने को मिलेगा। सर्जन के बगल में ही आपको सर्जिकल ट्रॉली देखने को मिलेगी, जहां पे सारे इक्विपमेंट्स रखे जाएंगे जो कि सर्जरी के दौरान बार बार लगातार इस्तेमाल होते रहेंगे। सर्जन का काम यह रहेगा कि सर्जरी के दौरान पेशेंट को कम से कम ब्लीडिंग हो और सर्जरी आसानी से और कम से कम वक्त में करी जा सके। सर्जरी के दौरान किसी भी तरीके की ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए आपके ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक और मशीन होती है, जिसका नाम है डायथर्मी मशीन। ये डायथर्मी मशीन को कॉटरी मशीन भी कहा जाता है, जो कि ब्लड वेसल को डायरेक्ट करंट के थ्रू बर्न करते हुए ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हेल्प करती है। ये डायरेक्टली मसल्स पर, आर्टरीज पर लगाकर ब्लीडिंग को स्टॉप करने में मदद करेगी, जिससे सर्जरी के दौरान कम से कम ब्लड का नुकसान होगा। सर्जरी के दौरान ब्लड के नुकसान की भरपाई करने के तौर पर हम पेशेंट्स को और भी कई तरीके की चीजें देते हैं, जैसे कि पेशेंट को सर्जरी से पहले 7 से 8 घंटे तक भूखा प्यासा रहना जरूरी होता है, ताकि सर्जरी के दौरान पेशेंट को किसी भी तरीके की वॉमिटिंग ना हो और पेशेंट अपनी वॉमिटिंग को एस्पिरेट ना करे। इसके लिए हम पेशेंट की बॉडी में एनर्जी बनाए रखने के लिए पेशेंट के हेड साइड पे ही आईवी स्टैंड रखते हैं, जिससे लगातार पेशेंट की बॉडी में आरएल, एनएस, डीएनएस, अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स जाते रहते हैं, जिससे बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहती है। ऑपरेशन थिएटर की और स्पेशलिटीज के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ऑपरेशन थिएटर की सर्जिकल ट्रॉली के बारे में हम बात करते हैं, जहां पर सभी तरीके के इक्विपमेंट्स रखे जाएंगे। कुछ जनरल इक्विपमेंट्स रहते हैं जो सर्जरी के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि आपके रिट्रैक्टर्स, जो कि सर्जिकल साइट को व्यूइंग एंगल देने में हेल्प करेंगे। कुछ ग्रास्पर्स, जो कि पेशेंट की किसी भी ब्लड वेसल्स या मसल्स को होल्ड करने में, ग्रास करने में हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आर्टरी फोर्सेप, जो कि आर्टरीज को ग्रास करने के लिए या फिर मसल टिश्यूज को ग्रास करने के लिए इस्तेमाल में ली जाएगी। एक और इक्विपमेंट जो कि पेशेंट को इंसीजन लगाने में हेल्प करेगा, जो कि मेडिकल टर्म में कहा जाता है स्काल्पल, यानी कि नाइफ। ये नाइफ डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के साथ आता है, विद डिफरेंट डिफरेंट ब्लेड्स। इन ब्लेड्स के थ्रू हमें नेचर ऑफ सर्जरी को समझते हुए अलग अलग डायरेक्शंस में इंसीजन लगाने में हेल्प मिलती है। इसी नाइफ के जरिए पहला इंसीजन लगाया जाता है। सर्जरी के दौरान और भी कई तरीके के इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि सियाम मशीन, जो कि डायरेक्टली आपको ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक्सरे निकालकर दिखाती है डिजिटल। इस डिजिटल एक्सरे के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि ऑपरेशन के दौरान जितने भी पेशेंट की बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस अगर आ रहे हैं और हमें इंटरनल व्यू देखना है कोई, तो वो सियाम मशीन के थ्रू हम पेशेंट की बॉडी में आ रहे एक्सरे को लगातार एक मॉनिटर पर देख सकते हैं। सियाम मशीन के अलावा ऑपरेशन थिएटर के अंदर और भी कई चीजें हैं, जैसे कि आपके ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाले बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के डस्टबिन। ये अलग अलग कलर कोड्स के देखे जाने वाले बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के डस्टबिन होते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल तरीके से क्रिएट हुए ऑपरेशन थिएटर के अंदर वेस्ट को इनमें डिस्कार्ड किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर के अगर मैं हेड साइड की तरफ देखूं, तो आपको एक वॉल से लटकती नजर आ रही सीलिंग लाइट्स देखने को मिलेंगी। ये सीलिंग लाइट स्पेशल हेलोजन लाइट्स के थ्रू बनाई जाती हैं और सर्जिकल साइट पे फोकस बनाए रखने का इनका काम रहता है। साथ ही साथ ये लाइट शेडोलेस लाइट होती हैं, जिसकी वजह से सर्जन घंटों घंटों इनके नीचे खड़े होकर काम कर सकते हैं और सर्जरी की तरफ कोई भी तरीके की शेडो नहीं बनती और ना ही ये हीट प्रोड्यूस करती हैं। सर्जन को सर्जरी के दौरान ग्लव्स, हेड कैप, मास्क, गाउन पहनने पड़ते हैं, जो कि काफी ज्यादा पेशेंट की, सर्जन की बॉडी के अंदर ह्यूमिडिटी और गर्मी पैदा कर सकते हैं। इसलिए ऑपरेशन थिएटर का आइडल टेम्परेचर 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। जनरली ये 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखने को मिलता है और यहां का ह्यूमिडिटी लेवल 70% से बिलो रखना जरूरी होता है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और उनको ठंडा बनाए रखना हमारा यहां पे मेन उद्देश्य होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर के अंदर कई लोग काम करते हैं और इनको दो प्रकार की टीमों में बांटा गया है, जैसे कि स्क्रब टीम और अनस्क्रब टीम। स्क्रब टीम के अंदर आपके सर्जन, सर्जन को हेल्प करने के लिए उनके असिस्टेंट, नर्स और टेक्नीशियन रहेंगे, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे सर्जरीज के अंदर। दूसरी टीम होती है अनस्क्रब टीम। ये वो टीम है जहां पर एनेस्थेटिस्ट, जो कि हेल्प कर रहा है पेशेंट को बेहोश करने में और पूरी बॉडी के अंदर पेन को खत्म करने के लिए।
एनेस्थेटिस्ट को मदद करने के लिए उसका साथी टेक्नीशियन होगा, जिसको हम एनेस्थीसिया टेक्नीशियन भी कहते हैं, जो कि एनेस्थेटिस्ट को हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपको एक फ्लोर टेक्नीशियन भी मिलेगा, जो कि सर्जरी के दौरान किसी भी तरीके से अगर बाहर से कोई सामान आपको ऑपरेशन थिएटर से चाहिए तो वो वहां से लेकर आकर देगा। ऑपरेशन थिएटर के अंदर किसी भी तरीके की विंडोज को नहीं रखा जाता, एक्सेप्ट डोर पे बने हुए एक आई ग्लास के अलावा। आई ग्लास के थ्रू ऑपरेशन थिएटर के बाहर और अंदर के दोनों दृश्य आप देख सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर के अंदर ह्यूमिडिफायर्स लगाए जाते हैं, जिससे ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जाता है। साथ ही साथ वहां पे हेपा फिल्टर्स भी लगाए जाते हैं। ये हाइपरबैरिक बैक्टीरियल फिल्टर है, जो कि ओटी के एयर को भी क्लीन करते हैं। ऑपरेशन थिएटर के अंदर अगर आप देखें तो ओटी की जो वॉल्स होती हैं वो जॉइंटलेस होती हैं, और ये वॉल्स को इस तरीके से बनाया जाता है कि इनको आसानी से रब करके साफ किया जा सके और किसी भी तरीके का डस्ट यहां पे इकट्ठा ना हो। ऑपरेशन थिएटर के फ्लोर्स को भी कुछ ही इसी स्पेशल तरीके से बनाया जाता है, जिनका जिसमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल का नाम होता है टोरिजो टाइप ऑफ फ्लोरिंग, जिसमें कार्बन और स्टील को मिक्स करके डाला जाता है। इन केस कभी ऑपरेशन थिएटर में आग लग जाए तो कभी फ्लोर से आग ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ये एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग होती है। एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग की वजह से किसी भी तरीके की फायर जनरेट होने पे कभी भी ऑपरेशन थिएटर में आग नहीं लगती। ऑपरेशन थिएटर की वॉल पर आप देखेंगे कि अलग अलग गैसेस के आउटलेट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से ऑक्सीजन, सक्शन, नाइट्रस ऑक्साइड, एयर, कई तरीके की गैसेस के पाइपलाइन आ रहे होते हैं डायरेक्टली मेडिकल गैस एरिया से, जिससे विदाउट इंटरप्शन ओटी के अंदर लगातार गैस की सप्लाई चलती रहती है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ऑपरेशन थिएटर। आम लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन अभी इस वीडियो के बाद आपको पता लग चुका होगा कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर किस तरीके से काम हो रहा है और इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं सर्जरी के दौरान। अगर आपको इसी तरीके की और भी वीडियोस देखनी है या फिर ऑपरेशन थिएटर के बारे में और भी कुछ जानना है तो हम इसके बारे में डिटेल वीडियोस भी बना सकते हैं। हमारी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि हम आप तक इसी तरीके की वीडियोस और भी भेजते रहें। थैंक यू सो मच।